हाँ जी प्यारे बच्चों, अज असी क्लास अठवीं दे नैशनल अचीवमेंट सर्वे ते आधारित ने जिहड़े क्वेश्चनस करांगे। जिहड़ा साडा विषय है वह है साइंस। तो बच्चो यह विद्यार्थी अभ्यास पुस्तक की प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज 3 है जी अज आप करांगे। आओ बच्चो आप इन्हां दे क्वेश्चन आंसरस नूं जिहड़ा करना शुरू करते हैं। आओ शुरू करिए। हाँ जी बच्चो, सब तो पहला जो साडे कोल क्वेश्चन आंदा है वह है सड़क बनाने लई केड़े पेट्रोलियम उपज की वरतों जी की जाती है। नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज इन मटैलिंग द रोड्स। केड़ी होएगी? कोक नहीं, कोला गैस नहीं, पैराफिन मोम नहीं। इस ढुकमा आंसर की है? बीटोमी। केड़ा है? बीटोमी। हाँ जी बच्चों, इस तो बाद साडे कोल आंदा सैकेंड क्वेश्चन, जमात विच अध्यापक ने विद्यार्थियों नूं खेतीबाड़ी दियां वख वख पद्धतियां बारे दस्या। हेठ लिखियां विचों केड़ी खेतीबाड़ी पद्धति नहीं है? की कहिंदा है? केड़ी खेतीबाड़ी पद्धति नहीं है। टीचर टोल द स्टूडेंट्स इन द क्लास अबाउट वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। इन्हें विचों खेतीबाड़ी पद्धति नहीं है। देखो, बीज बोना भी खेतीबाड़ी पद्धति है, खाद बनाना भी है, बाड़ी भी है, तो केड़ी नहीं है? बंड प्रणाली। थर्ड आंसर। केड़ी पद्धति नहीं है? बंड प्रणाली, तीसरा आंसर। हाँ जी बच्चों, थर्ड क्वेश्चन आता है, जमात विच विद्यार्थियों अध्यापक ने दस्या कि पंजाब विच भूमि जल का पद्धर जिहड़ा नीवा हो रहा है, इस समस्या का हल किवें हो सकता है? टीचर टोल द स्टूडेंट्स इन द क्लास दैट द लैवल ऑफ ग्राउंड वाटर इज ड्रॉपिंग इन पंजाब, वट कुड बी द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम असं किवें हल कर सकते हैं? तुपका सिंचाई प्रणाली और फुहारा सिंचाई प्रणाली दोनों नाल। तो इट मीनस साडा आंसर की आएगा? उपरोक्त दोवें, बोथ ऑफ द अबव, ड्रिप इरीगेशन सिस्टम एंड स्प्रिंकल सिस्टम। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन आता है, मनोज के माता जी अपने घर के बाहर रसोई घर का कचरा जिमें कि सब्जियों के छिलके और बचा हुआ भोजन ने जोड़े सुटते हैं, इसके कारण बदबू है फैलती है, यह देखने भी गंदा लगता है, तुहाडे अनुसार इस समस्या का की हल है जिहड़ा हो सकता है? की कर रहे ने मनोज के माता जी? किचन वेस्ट मटीरियल नूं जो वैजीटेबल ज एक्सट्रा फूड का छिलके वगैरह ने पील्स ने उन्हों सट देंगे ने, जिस करके उस दे विच की हो जाती है? समैल है जी सारे पासे फैल जाती है। तो साढ़े तो यह पूछा गया भी इस प्रॉब्लम का सल्यूशन है जिहड़ा असीं किवें कर सकते हैं? बच्चे फस्ट आंसर की है? इस कचरे तो कंपोस्ट तैयार करनी चाहिए है, मतलब कि इस तो असीं खाद है जी तैयार कर सकते हाँ। तो फस्ट है जरा इसका की होएगा? ढुकमा आंसर होएगा। फस्ट की है इसका? ढुकमा आंसर होएगा। की है? इस कचरे तो कंपोस्ट तैयार करनी चाहिए है, कंपोस्ट शुड बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस वेस्ट। हाँ जी, फिफ्थ आंदा है, रीमा की बड़ी भैन ने उसनू दस्या कि वायुमंडल विचली नाइट्रोजन के स्थिरीकरण विच एक कुदरती वर्तारा जिहड़ा मदद करता है वह कौन है? भी जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हुंदी है ये की है, इस विच एक नैचुरल प्रोसैस चलता है, वह कौन है? कौन है? आकाशी बिजली, लाइटनिंग। क्या है? आकाशी बिजली। हाँ जी, सिक्स्थ आंदा है, सुरेश नूं पता लग्या कि हर साल एक ही फसल बार बार उगाउण दी जगह ते उसनूं वख वख फसलां ने जिहड़ियां अदल बदल के उगाउणियां चाहीदियां हन, जिस नाल भूमि विच पोषक तत्तां दी मौजूदगी जिहड़ी बनी रहेगी। की तुसीं दस सकदे हो फसलां अदल बदल के क्यों उगाउणियां चाहीदियां ने? कैन यू टैल वट इज द ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली नोन एज? की आख्या जाता है इन्हों? फसली चक्कर। की बोलिया जाता है? क्रॉप रोटेशन। सैकेंड आंसर। हाँ जी, सैवंथ, सैवंथ विच आंदा बच्चों, दीपक ने जराबा पाते हुए वेख्या कि उस दिन जराबा विचों एक धागा बाहर आया है, उसने उस धागे तोड़न की पूरी कोशिश की पर धागा नहीं टुटिया,
उसने माता जी ने दस्या के उसनू यह धागा कटना पवेगा क्योंकि यह खिच के टुटने वाला नहीं, यह बहुत मजबूत हुंदा है। उसने हैरानी नाल अपने माता जी नू इस बारे पूछया कि उसनू पता लगा कि यह डैश है, ज़्यादातर जराबा इस ही रेशे दियां बनियां हुंदियां ने। वाई पुटिंग ऑन ही सॉक्स दीपक सा वन ऑफ द थ्रेड फ्रॉम ही सॉक्स वाज आउट, ही ट्राइड हिज बेस्ट टू ब्रेक द थ्रेड बट वाज अनेबल टू डू सो। हिज मदर टोल्ड हिम ही हैज टू कट दिस थ्रेड बिकॉज इट कांट ब्रेक विद पुलिंग इट एज इट इज वेरी स्ट्रांग। ही करेसली आस्क्ड हिज मदर अबाउट द थ्रेड and came to know that it was dash. Most of the socks are made of this fiber. तो बच्चों इस द टुक आंसर क्या आएगा? नाइलॉन। क्या आएगा? नाइलॉन। हाँ जी, एट्थ है, सुनीता अपने पिता जी नू दसदी है कि माता जी हमेशा पेट PET दीयां बोतलां ही चावलां चिन्नी ते पानी लई खरीदते हैं। पेट का पूरा नाम की है? बच्चों जो असी प्लास्टिक दी बोतलां पानी पीण लई वरतदे आ जां उहनां विच चावल चिन्नी वगैरह सामदे आ जां जिन्हां विच अचार जां मुरब्बे पाए जांदे ने, उह आम तौर ते पेट दी बोतलां विच रख्या जांदा है। ते इत्थे साडे तों पुछया गया है वी पेट दा फुल नेम की है? बच्चो पी दा मतलब की है? पाली। ई दा मतलब की है? इथाइलीन। और टी दा मतलब की है साडे कोले? टेराफथालेट। ऑप्शन की आएगी फोर्थ, की आएगी ऑप्शन फोर्थ। बच्चों जिमें जिमें आप करी जाने तो नाल इस रिवाइज भी करते रहना ताकि जी आप हूँ क्लास लगा रहे हैं ये तो लाहेवंद है जी हो सके। अगे बच्चों नाइन्थ आंदा है, अध्यापकों ने समझाया कि कुछ पदार्थ कठोर चमकीले कुटनयोग धुनिक होंगे। कठोर तुसी मतलब समझते हो हार्ड होंगे ने, चमकीले जिन्हें चमक होंदी है, कुटिनयोग मैलीएबल होंगे ने, ध्वनिक मतलब जिन्हें साउंड है जी निकलती है। यह गुण आम तौर पर किहड़े पदार्थों के होंगे ने? ये बच्चों ये सारे गुण होंगे ने धातों विच, इहदे विच होंगे ने धातों विच। टेंथ, काजल ने देखा कि उसकी तांबे की गड़वी उपर हरे रंग की एक परत है जी चढ़ गई है, ये किस पदार्थ के बनने कारण हुई है? काजल नोटिस दैट देर इज ए ग्रीन लेयर ऑन हर पिक्चर मेड ऑफ कॉपर ड्यू टू विच सबस्टांस इज दिस फॉर्म। तो बच्चो इसका जो आंसर आएगा वह आएगा फर्स्ट, इतने लिखा है CuCO3, इन असी बोलते हैं कापर कार्बोनेट। की बोलते हैं? कापर कार्बोनेट प्लस और क्या साडे कोले? कापर हाइड्रोक्साइड। क्या है? हाइड्रो ऑक्साइड फर्स्ट ऑप्शन। हाँ जी, इलेवंथ, शाम ने अखबार विच पढ़िया कि राती कुछ लोगों की मौत कोले वाली अंगिठी जलाउण कारण हो गई है। उसने अपने अध्यापक नूं पुछिया, अध्यापक ने दस्सिया कि जदों हवा की घट सप्लाई विच बालदी हाँ तां खतरनाक रंगहीन गंधहीन गैस है जिहड़ी पैदा हुंदी है। किहड़ी गैस पैदा हुंदी है? एक डेंजरस कलरलैस ओडरलैस गैस है जिहड़ी बनदी है। तां इह पुछिया गया वी किहड़ी गैस है? तां बच्चो इह गैस हुंदी है कार्बन मोनोक्साइड। किहड़ी हुंदी है? कार्बन मोनोक्साइड। इसका सूत्र की है? CO। अगे आया सी कार्बन डाइऑक्साइड, इसका सूत्र हुंदा बच्चो CO2। फिर आया सल्फर डाइऑक्साइड, इसका सूत्र की हुंदा है? SO2। फिर की है साडे कोले? नाइट्रोजन। अगे आंदा बच्चो अज अध्यापक ने विद्यार्थियों नूं तिलां दी डब्बी दा इतिहास पढ़ाया। उसने विद्यार्थी नूं पुछा कि तिलां दी डब्बी दी सतह उत्ते मुख रसायन किहड़ा हुंदा है? तिलां दी डब्बी माचिस दी डब्बी कहा गया, इस उपर जो माचिस दी डब्बी है उस उपर कहिंदा किहड़ा रसायन लग्गिया हुंदा है? विच इज़ द मेन कैमिकल कंपोनेंट प्रेजेंट ऑन स्ट्राइकिंग सरफेस ऑफ मैच बॉक्स? इस दे उपर बच्चे लग्गिया हुंदा है फास्फोरस। की लग्गिया हुंदा है?
फास्फोरस। थर्टीन है गीता गैस चूल्हे ते रोटी बना रही सी, रोटी तवे ते जल के काले पदार्थ विच बदल गई। उसने अपने अध्यापक तो पूछया ते उन्होंने दसिया जदों कोई पदार्थ उच्च तापमान ते गर्म किया जाए तो काले पदार्थ विच बदल जाता है, तो इसनों की आखते हैं कि होया भी जड़ा उसने खाना तैयार किया वह हाई टैंपरेचर से किस तरह का कलर बना लिया, उसने ब्लैक सबसटांस बना लिया। तो पूछा गया वो ब्लैक सबसटांस कि होंगे है, वह होंगे बच्चों कार्बन। की होंगे है? कार्बन। पहला आंसर। हाँ जी बच्चे अगे आता है, सीमा ने एक अखबार में पढ़िया कि एक परिवार बंद कमरे में बलदेव कोले नाल अचेत मिलिया। उसने अपने अध्यापक कोलों इसका कारण पूछा, उसके अध्यापक ने उसनों दस्या कि जहरीली गैस पैदा हुई जिस नाल उन्हां दी की हो गई मौत हो गई, तो दसो केड़ी गैस है जिहड़ी इस लई जिम्मेवार है। की होया कमरे में जिवें आपां पढ़दे हां कोले वाली अंगीठी नूं बलिया जांदा है सर्दियों में आम तौर पर, तो जदों बलिया जांदा है तो आम तौर पर जिहड़े लोग अंगीठी बलदे ने कमरे में वह जां तां बेहोश हो जांदे ने जां उन्हां दी डैथ हो जांदी है, तो उन्हां विच इक पॉइजनस गैस है उस अंगीठी दे विच, तो वह पूछा गया किहड़ी गैस है जिस नाल वह अचेत जां उन्हां दी डैथ हुंदी है, तो बच्चे वह हुंदी है साडे कोले कार्बन मोनोऑक्साइड। किहड़ी हुंदी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। हाँ जी 15। गगनदीप सिंह ने एक निश्चित पानी की मात्रा नूं 1 किलोग्राम गां दे गोहे अते 1 किलोग्राम कोले नाल गर्म किया। उसने वेख्या कि कोले तो पैदा हुई गर्मी गां दे गोहे तो पैदा हुई गर्मी तो ज़्यादा है, इस तरह क्यों हुंदा है? की है बच्चों? साडे कोले ऐ समझो एक पासे है कोला, इत्थे आपां मान लो कोला है, एक है अपने कोले जिसनों आपां पाथियां कह दिंदे आं गोहा, पाथियां देखो दोनों जलाया गया तो वध गर्मी है जिहड़ी किस विच पैदा हुई? कोले वाले विच वध गर्मी पैदा हुई। किस करके हुई? उसदे कलोरी मुल करके, कैलोरीफिक वैल्यू करके। हाँ जी अगे आंदा बच्चे 16। हेठां लिखियां विचों मौजूद समय विच रसोई लई सब तो वधिया बलण किहड़ा है? आपां बच्चे प्रैक्टिस टैसट 1, 2 अज थर्ड विच भी पढ़ रहे हां, रसोई विच सब तो वधिया बलण किहड़ा वरत्या जांदा है? LPG। किहड़ा हुंदा है? LPG। LPG नूं असीं की लिखदे हां? तरल पेट्रोलियम, तरल पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। CNG किहदे विच वरत्या जांदा है? जिवें बसां ट्रकां वगैरह विच इहनां नूं वरत्या जांदा है। CNG दा पूरा नाम की है? नपीड़ित कुदरती गैस, कंप्रैसड नैचुरल गैस। हाँ जी बच्चे 17 आंदा है, उमेश पिछले हफ्ते धर्मशाला विखे घूमण गया। धर्मशाला विच एक स्थान है जिथे लोग घूमण जांदे ने गर्मियों च, उत्थे उसने देवदार अते चील दे पौधे वेखे। उसने उत्थे कुछ इस तरह के जीव जंतु भी वेखे जिहड़े कि सिर्फ उस खेत्र विच विखाई दिंदे ने। ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ, ਐਂਡਮਿਕ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 18। ਸਤਪੁੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਟੈਸਟ 2 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਰੈੱਡ ਡਾਟਾ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਤਪੁੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਖਤਮੇ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਫਸਟ ਸ਼ੇਰ, ਹਾਥੀ, ਜੰਗਲੀ ਮੱਝਾਂ, 12 ਸਿੰਘਾਂ। ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗੀ।
बच्चे जे हुण अपने कोले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ने तो इतने असीं फस्ट दे टिक लगावांगे। वैसे इसका आंसर थर्ड भी नाल बन रहा है। जे अपने कोले इत्थे ऑप्शन ए हुंदी फस्ट एंड थर्ड आपां फिर इन्हां दोनों ते टिक लगांदे। अगे आंदा बच्चो 19वां, सैल दे केंद्रक विच धागे वर्गियां संरचनावां की अखवाउंदियां ने। बच्चो सैल दे केंद्रक विच जिहड़ियां धागे वर्गियां संरचनावां ने उन्हां नूं की बोलिया जांदा है? क्रोमोसोम। की बोलिया जांदा है? गुण सूत्र। की बोलिया जांदा है? गुण सूत्र। हाँ जी बच्चो 20, यूकैरियोट्स अते प्रोकैरियोट्स विच मुख अंतर केड़ा है? तो बच्चो इस विच मुख अंतर आंदा है तीसरा, की है तीसरा? केंद्रक झिल्ली यूकैरियोट्स विच होंदी है पर प्रोकैरियोट्स विच नहीं। हाँ जी 21, अध्यापक ने जमात विच दस्या सी कि निषेचन प्रक्रिया लिंगी प्रजनन विच पाई जाती है। निषेचन प्रक्रिया बारे हेठ लिखिया विचों केड़ा कथन सही है? टीचर टोल्ड इन द क्लास दैट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन अकर्स इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, विच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फर्टिलाइजेशन इज करैक्ट? तो कि है इतने करैक्ट पूछी गई है? निषेचन नर ते मादा जुगमक का संयोजन हुंदा है, बिल्कुल ठीक। निषेचन के सिट्टे वजो जुगम जवांदा है, बिल्कुल ठीक। इट मीनस पहला भी ठीक है, दूसरा भी। तो साडा आंसर की आएगा? थर्ड, 1 एंड 2 दोवें। 22, रवि जानता है कि प्रजनन तो भाव है अपने वर्गे होर जीव पैदा करना। वो जानना चाहता है कि मनुखा विच प्रजनन किरिया का पहला पड़ा की है? तो तुहाडा जवाब की होगा? रवि नोज दैट द मीनिंग ऑफ रीप्रोडक्शन इज टू गिव बर्थ टू लिविंग बींग लाइक वनस सैल्फ। ही वॉन्ट्स टू नो विच इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन्स, वट वुड बी यूर आंसर? तो बच्चों इतने साडा आंसर की होगा? निषेचन फर्टिलाइजेशन। की होगा? निषेचन फर्टिलाइजेशन। हाँ जी 23, केड़े गुणा या लक्षणा कारण आदमी औरत एक दूजे तो भिन्न होंगे ने? किस करके भिन्न होंगे ने? लिंगी गुण सूत्र करके, जैस मुढ़ले लिंगी लक्षण करके, जैस सेकेंडरी लिंगी लक्षण करके। सैक्स क्रोमोसोम, प्राइमरी सैक्सुअल करैक्टर, सेकेंडरी सैक्सुअल करैक्टर, ये सारे लक्षण करके ही होंगे है। तो साडा आंसर की आएगा? उपरोक्त सारे, ऑल ऑफ दीज। 24, फेंसी ते मुहासे चेहरे उत्ते किस दे रसाव कारण होंदे ने? किस करके होंदे ने? एक्ने एंड पिंपल्स ऑन द फेस आर ड्यू टू सिक्रेशन ऑफ, किस करके होंदे ने? तेल ग्रंथियां दे रसाव करके। किस करके? तेल ग्रंथियां दे रसाव करके। 25, नर विच मौजूद ओह हारमोन जिहड़ा किशोर अवस्था दौरान सेकेंडरी लिंगी गुणा नूं निर्धारित करता है। द हारमोन विच रेगुलेट्स द डिवेलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सैक्सुअल करैक्टर इन मेल इज केड़ा हुंदा है? पहला भी अपने पढ़िया सी, यह हुंदा बच्चो टेस्टोस्टेरोन। फर्स्ट ऑप्शन आएगी। 26, मोहनी दा भरा एक दर्जी है, वह उसकी दुकान ते गई, वह उत्थे काम कर रहा सी। मोहनी ने कैंची ते कपड़े नाल खेडना शुरू कर दिता पर कैंची काम नहीं कर रही सी। तो उसके भरा ने दसिया कि कपड़े नू कैंची दे ब्लेडा दे खुंडे हिस्से नाल कटना जड़ा औखा हुंदा है, क्योंकि खुंडे ब्लेडा ते दबा तिखे ब्लेडा नालों डैश हुंदा है। की है? मोहनीज ब्रदर की एक टेलर है। मोहनी किथे गई? अपने ब्रदर की दुकान ते गई। He was doing work in his shop. वो उस दुकान पर काम करना शुरू कर देती है। तो मोहनी है जिहड़ा किहदे नाल खेड रही है? सीजर अते एक कपड़े नाल, दोनों नाल खेडना शुरू कर दिया क्लोथ नाल। परंतु जो सीजर है wasn't working, वो काम नहीं कर रही होंगी। Then his brother told her that it is difficult to cut clothes. तो उसने देखा भी वह कपड़े ने जड़े नहीं कट रही, क्योंकि जो कैंची होंगी वह बलंट होंगी है, खुंडी होंगी है। तो अपने दसना भी जी बलंट ब्लेड्स ने
उन्हां दा प्रेशर वध हुंदा है कि घट हुंदा है, तां बच्चो उसका प्रेशर की होएगा घट होएगा, की होएगा घट होएगा। 27 दीपक हाकी खेडदे समय मैदान विच गेंद नूं सट मारदा है, वो की कर रहा है? दीपक किक द बॉल वाइल प्लेइंग हॉकी इन द प्लेग्राउंड, वट इज ही डूइंग, की कर रहा हुंदा है? गेंद की गति बदल रहा है, ठीक है, गेंद की गति की दिशा बदल रहा है, बिल्कुल ठीक है। देखो जो असी फुटबॉल खेडते हाँ तो दो ही काम करते हैं, एक तो असी उसकी गति बदल दें, स्पीड नू चेंज कर दें, नंबर दो असी उसकी डायरेक्शन नू चेंज कर दें। तो साडा आंसर की होगा 4th, 1 अते 2 दोवें। हाँ जी 28 स्कूल विच रस्साकसी दे खेड विच दोवें टीमां एक दूजे नू असमान बल नाल अपने वल खिंचदियां हन, उन्हां द्वारा लगाया कुल वल डैश होवेगा, की हो रहा? टग ऑफ वार दी गेम होंदी है स्कूल दे विच, तुसीं जानदे हो जिवें एक अपने कोल रस्सी है, कुछ बच्चे ने जिहड़े इधरों खिंच रहे ने, कुछ बच्चे ने जिहड़े इधरों खिंच रहे ने, जदों दोनों पासे बल जिहड़ा सेम लगेगा तां जो साडी रस्सी है उह उत्थे ही रुक जाएगी, अगे नहीं वधेगी, तां उहदे विच ਕਿਹੜਾ ਬਲ ਲੱਗੇਗਾ? ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕੁੱਲ ਬਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਅੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਟੂ ਫੋਰਸਿਸ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਸਮਾਨ ਬਲ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਅਸਮਾਨ ਬਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਦੋਵੇਂ ਬਲਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਇਕੁਅਲ ਬਲ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? 0। 29 ਹਰਜੀਤ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਕੈਨਿਕ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮਕੈਨਿਕ ਨੇ ਹੇਠ ਦਿਖਾਏ ਪੁਰਜੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਦਿਖਾਏ ਪੁਰਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੁਰਜਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਰਜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਾਲ ਵੇਅਰਿੰਗ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਕਚਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਪੁਰਜਾ ਹੈ? ਵਾਲ ਵੇਅਰਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਟੀਚਰ ਟੋਲਡ ਇਫ ਸਮ ਡਰੋਪਸ ਆਫ ਐਨ ਐਸਿਡ ਆਰ ਐਡਡ ਇਨ ਵਾਟਰ ਦੈਨ ਇਟ ਵਿਲ ਬਿਕਮ, ਤੈਅ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕੰਡਕਟਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਚਾਲਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਕੰਡਕਟਰ ਜਾਂ ਚਾਲਕ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਚਾਲਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਚਾਲਕ ਹੈ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਚਾਲਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਚਾਲਕ ਹੈ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਚਾਲਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਚਾਲਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਮਕ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏ? ਸਾਡਾ ਅਸ਼ੁੱਧ ਬਣ ਜਾਏ। ਜੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਅਸ਼ੁੱਧ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਚਾਲਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਪਿਕ ਕਰਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਟੋਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਇਸ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦੇ ਬਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕਸ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ।